हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मयूर राबड़िया, कंसल्टिंग ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मेरा तजुर्बा इस फील्ड में 8 सालों का है और मैं घाटकोपर एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे 40 की उम्र के बाद होने वाले हड्डियों की प्रॉब्लम की। क्यों होती है ये प्रॉब्लम? हड्डियों की कमज़ोरी, मसल मास कम होना, लिगामेंट्स और कार्टिलेज से पानी कम हो जाना, टेंडन से पानी कम हो जाना, लेडीसों में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, मेनोपॉज आ जाता है, तब हड्डियों की कमजोरी शुरू होती है। कौन कौन से होते हैं ये प्रॉब्लम्स? एक है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी। दूसरा है जोड़ों का दर्द, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, बिना किसी चोट के हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाना, टेनिस एल्बो और फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को जल्द ही पकड़ में लाने के लिए आपको आपके नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन से परामर्श करना है, उनसे रेगुलर फॉलोअप लेते रहना है। थैंक यू।